हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू डेली मार्केट एनालिसिस पॉडकास्ट। और इस वीडियो में हम देखेंगे निफ्टी और बैंक निफ्टी का एनालिसिस। तो जैसे मैंने कहा था, वैसे स्टार्ट हो चुकी है वीक की, और निफ्टी जो है तो आज लगभग 171 पॉइंट ऊपर बंद हुआ है 15,332 पे। अभी ये जो है तो 15,500, 15,700 और 16,150 ये लेवल की तरफ बढ़ेगा। हो सकता है अगर रैली अच्छी खासी रही तो 16,000 के लेवल जो है तो इसी हफ्ते में हमें देखने को मिल जा सकते हैं। बीच बीच में थोड़े से करेक्शन आ सकते हैं ऑन न्यूज़ फ्लो, और तो आपको बाय ऑन डिप्स व्यू रखना है विद अ स्टॉप लॉस। अभी जो है तो नीचे कल के लिए सपोर्ट है 15,290 का। अगर उसके ऊपर मार्केट टिकता है तो निफ्टी जो है तो उसका पहला टारगेट रहेगा 15,500, और उसके बाद में 15,700। ये टारगेट के लिए आप खरीद सकते हो निफ्टी को अराउंड 15,290। और जो मैंने कॉल ऑप्शन दिए थे वीकली एनालिसिस में, वो अच्छे खासे बढ़त के साथ आज उन्होंने अच्छा खासा प्रॉफिट दिया। तो यहाँ जो है तो आपको 15,290 पे जब निफ्टी आएगा तो आप जो है तो ऐट द मनी या फिर इन द मनी कॉल ऑप्शन खरीद के बैठी है। थोड़ा स्टॉप लॉस बड़ा रखना पड़ेगा इसमें, और आपका जो टारगेट रहेगा इसमें लगभग 150 से 200 पॉइंट का आपको टारगेट मिल जाएगा जो वीकली ऑप्शन है उसमें। बाकी अभी बैंक निफ्टी देखते हैं, तो बैंक निफ्टी आज जो है तो लगभग 1300 पॉइंट ऊपर बंद हुआ है, लगभग 4% ऊपर, और 37,400 के करीब इसने क्लोजिंग दी है। तो हमने लगभग 37,600 के हाई देखे थे आज लगभग, और गैप अप ओपनिंग के साथ जो शॉर्ट कवरिंग रैली शुरू हुई वो डे हाई पे जाकर ही बंद हुई है। तो जैसे मैंने कहा था कि इस मार्केट में बिल्कुल शॉर्ट नहीं करना है, जिन्होंने शॉर्ट किया होगा वो हर एक आवर में लूज़ करते होंगे, और उन्होंने लूज़ किया है ऑलरेडी। तो अभी जो है तो मैंने जैसे कहा था वीकली चार्ट पे, ये 37,250 का टारगेट था मीडियम टर्म का, जो अचीव हो चुका है। अभी इसके ऊपर अगर निफ्टी बैंक निफ्टी निकलता है तो ये जाएगा 43,200 के लेवल की तरफ, और मुझे लगता है कि ये जो ब्रेकआउट है ये कंटिन्यू होगा। तो आपको यहाँ भी बाय ऑन डिप्स व्यू रखना है। नीचे जो सपोर्ट है इसके लिए वो है 37,000 के अराउंड, तो उसके अराउंड आपको बाय करना है। 37,100 के अराउंड बाय करना है। 300-400 पॉइंट का स्टॉप लॉस रहेगा नीचे, और ऊपर जो टारगेट बनेगा पहला वो 37,800 का बनेगा, और उसके बाद में जो है तो 38,300 का टारगेट बनेगा बैंक निफ्टी के लिए। सेम आपको यहाँ भी जो है तो ऐट द मनी या फिर इन द मनी कॉल ऑप्शन लेकर भी ट्रेड कर सकते हो, मगर यहाँ भी स्टॉप लॉस थोड़ा सा बड़ा रखना पड़ेगा आपको। 50-60% का स्टॉप लॉस रहेगा, और टारगेट जो 100-200% के आप एक्सपेक्ट कर सकते हो। अगर आप 37,000 का कॉल ऑप्शन लेंगे तो उसमें आपको 700-800 पॉइंट की रैली मिल सकती है। अगर बैंक निफ्टी 38,300 पर जाता है तो वो कॉल ऑप्शन में आपको 1200 प्लस पॉइंट जो है तो प्रॉफिट बन सकता है। तो एक लॉट भी लिया तो भी अच्छा खासा प्रॉफिट बन जाएगा, एक लॉट से रिस्क भी कवर हो जाती है अच्छी खासी, और आपको प्रॉफिट भी अच्छा खासा देखने को मिलेगा। तो ये रहा मेरा निफ्टी और बैंक निफ्टी का व्यू। मैं फिर से बता रहा हूँ, आपको बिल्कुल शॉर्ट नहीं करना है, बाय ऑन डिप्स व्यू रखना है। हो सकता है कि बीच बीच में डीपर करेक्शन आए, क्योंकि बुल मार्केट में करेक्शन जो है तो अच्छे खासे डीप होते हैं, जो मार्केट की स्ट्रेंथ टेस्ट करते हैं। तो जिसमें जो वीक हैंड है वो निकल जाते हैं, और सिर्फ जो स्ट्रांग हैंड है वो पोजीशन को होल्ड करके बैठते हैं, तो उनको मार्केट बाद में रिवॉर्ड भी देता है। तो आई होप सो कि आज आपने अच्छा खासा मुनाफा कमाया होगा। तो प्लीज़ दोस्तों, वीडियो को लाइक कर दीजिए, ये जो वीडियो है ये ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर कीजिए, आपके फैमिली फ्रेंड उनके साथ शेयर कीजिए। ऐसे वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और मेरे टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, वहाँ जाकर आप फ्री ऑफ कॉस्ट ज्वाइन कर सकते हो। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। सब्सक्राइब नाउ एंड प्रेस द बेल आइकन, नेवर मिस एन अपडेट।